दोस्तों आज हमारे पास एक Redmi 5 Plus आया है जिसको हम Note 5 के नाम से भी जानते हैं। और इसमें देखिए ये है Redmi 5 Plus जिसको लोग Redmi Note 5 के नाम से जानते हैं। तो क्या है इसमें प्रॉब्लम है कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी ऑडियो चलाते हैं तो ये कैन नॉट प्ले करता है उसको। तो हम आज इसमें देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। इस टाइप का एरर आ रहा है तो ये कहाँ से है, हम एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि ये हार्डवेयर से है, सॉफ्टवेयर से है, तो कहाँ से है। ठीक है, और वैसे ये हार्डवेयर से ही है क्योंकि सॉफ्टवेयर से मैं इसको सॉफ्टवेयर फ्लैश करके देख चुका हूँ और भी दूसरी जगह से जहाँ से आया वहाँ से भी उन्होंने फ्लैश करके देख लिया है, हार्ड रीसेट कर लिया, फ्लैश कर लिया, सेटिंग सब जगह से देख लिया। लेकिन क्या है, इसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो इसे हम हार्डवेयर से सॉल्व करेंगे और मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ कि ये कहाँ से दिक्कत है इसमें। चलिए मैं शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए इसमें मैं अंदर जाऊँगा सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद इसमें साउंड सेटिंग जो होती है, साउंड एंड वाइब्रेशन, इसमें मैं देखिए कुछ नहीं हो रहा, किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, ये तो ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ किसी भी देखिए ऐसे एक सॉन्ग को मैं प्ले करता हूँ, कैन नॉट प्ले सॉन्ग। बस इसमें यही एरर आ रहा है, कैन नॉट प्ले सॉन्ग। अब हम इसमें देखेंगे कि एक कहाँ से आ रहा है और ये हार्डवेयर से किस जगह से है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ मोबाइल को खोलने के बाद कि कहाँ से चेक किया जाएगा। तो पहले हम क्या है यहाँ इसको बजर मोड पे लगा के मल्टीमीटर को, और हम रिंगर चेक करेंगे रिंगर सही है कि नहीं है। जैसे जो एरर आ रहा था वो तो हार्डवेयर से है, बाकी एक बार रिंगर और हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए रिंगर हमारा सही है, 13 ओम की दिखा रहा है। पहले हम टूल टेस्टिंग चेक करेंगे कि रिंगर के पॉइंट पर रीडिंग कितनी आ रही। देखिए इस वाले पॉइंट पर 585 के लगभग है और इस पर भी 585-86 के लगभग है। तो फुल टेस्टिंग तो ओके है, इसका मतलब यहाँ तक की लाइन तो ओके है। बाकी हम इसे एक बार चालू करके चालू कर लेते हैं, और चालू करने के बाद हम इसमें कोई रिंग बजा के और फिर चेक करेंगे कि और टेस्टिंग में कुछ आ रहा है कि नहीं। देखो तो इसमें क्या है कि हम या तो हमने उसकी रिंगर को चेक करने के लिए सेटिंग में जाके साउंड एंड वाइब्रेशन में जा कर के, और ये रिंग वॉल्यूम या अलार्म या वॉल्यूम मीडिया हम इसको कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये कुछ सेकंड के लिए होता है, जब तक हम चेक करेंगे ये बंद हो जाता है। अगर हम सोचें कि हम कोई ऑडियो चलाएं इसके अंदर और ऑडियो चलाने के बाद हम इसमें देखें तो ऑडियो पर ये कैन नॉट प्ले दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम YouTube पर जाएंगे। हमने पहले ही YouTube पे वाईफाई कनेक्ट करके इसमें हमने वीडियो सेव कर लिया है। तो सेव वीडियो, ये डाउनलोड जो वीडियो हैं हम डाउनलोड कर लिए हैं। तो हम इसमें कोई भी वीडियो को चलाएंगे। देखिए इसमें अभी जो हमारे सेव वीडियो हैं वो भी नहीं चल रहे हैं, इससे मतलब ये प्रॉब्लम भी है इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ऑनलाइन वीडियो चला के देखेंगे, या हम इसको वाईफाई कनेक्ट करके और डायरेक्ट कोई नया वीडियो चला लेते हैं। ये देखिए हमारा वीडियो चलने लगा है। अब हम इसकी हॉट टेस्टिंग करेंगे। ये जो पॉइंट हैं इन पॉइंटों पर हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। तो हॉट टेस्टिंग हम क्या करेंगे, 20 वोल्ट मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे लगाएंगे हम मल्टीमीटर को। ठीक है, उसके बाद हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। एक इसको प्रॉप को रखेंगे ग्राउंड पे कहीं भी, यहाँ हम रख लेते हैं और यहाँ हम चेक करते हैं। तो कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं मीटर में, दिखाओ तो कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। अगर हम दूसरे उस पर चेक करते हैं, दूसरे वाले पिन पर चेक करते हैं, तब भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो आईसी से यहाँ तक लाइन आई है वो ओके है, बट हमारी आईसी वर्क नहीं कर रही है, इस वजह से इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। और जो रीडिंग आ रही थी वो आईसी की रीडिंग है, इसमें कोई वर्किंग वोल्टेज कुछ भी नहीं है, इसलिए इसमें हमारा रिंगर वर्क नहीं कर रहा है। और आईसी हो सकता है आईसी ख़राब हो, या हो सकता है आईसी को इनेबल नहीं मिल रहा हो, जिसकी वजह से कैन नॉट प्ले दिखा रहा है। तो हम एक काम करेंगे, इसका पूरा हम टेस्टिंग करेंगे कि आईसी पे कहाँ किस पिन पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हम इसे खोल लेते हैं। देखिए इसमें ये है, ये इसका CPU है, ये इसकी eMMC है और ये इसकी पावर IC है। और यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको, ये वाली IC जो है, ये जो IC है, ये IC इसकी ऑडियो IC है। तो हम इस पे वर्किंग वोल्टेज, इस पे क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है वो चेक करने वाले हैं। ये वाला छोटा वाला, ये इसकी मेन पावर सप्लाई की लाइन है, तो ये तो ओके है, लाइन ओके है, मगर हमने इसमें ये नहीं देखा अभी कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। अभी तो हमने इसकी फुल टेस्टिंग की है, फिर भी हम एक बार इसमें देख लेते हैं सारे कैपेसिटर पे कहीं पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हम देख लेते हैं सभी के कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं आ रही किसी कैपेसिटर पर अभी तो। शॉर्टिंग इसमें कहीं भी नहीं है, शॉर्टिंग इसमें कहीं भी नहीं है। हमने इसे चालू कर लिया है, अब हम इसमें हॉट टेस्टिंग करेंगे, तो इसमें हमें कोई वीडियो प्ले करना पड़ेगा हमको। चलो ये चालू हो गया है, अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे जो वर्किंग वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं कि नहीं। ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पर रखेंगे, ग्राउंड से हमने ग्राउंड किया ब्लैक प्रोब, और उसके बाद रेड प्रोब से हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज 20 के बराबर वोल्टेज जो मिलना चाहिए वो मिल रहे हैं। हम देखेंगे कि एक 1.8 वोल्टेज होता है जो कि इनेबल वोल्टेज होता है इसका आईसी का, और वो इस कैपेसिटर पे आता है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, मतलब हमारी आईसी अगर ओके होगी तो इनेबल हो गई होगी। हर आईसी को एक्टिव करने के लिए एक इनेबल वोल्टेज होता है और एक रीसेट सिग्नल होता है। जो रीसेट सिग्नल जब तक CPU से नहीं मिलेगा तब तक आईसी हमारी एक्टिव नहीं होगी। तो ये जो कैपेसिटर है ये रीसेट सिग्नल के लिए होता है। तो इस पर देखिए, इस पर भी रीसेट आ रहा है हमारा, इस पर रीसेट हमारा आ रहा है 0.6 वोल्टेज। रीसेट में ज़रूरी नहीं है कि हमारा 1.8 वोल्टेज ही आए, कभी कभी हाफ वोल्टेज में भी रीसेट मिलता है। इसके बाद ये इसका बूस्ट कैपेसिटर है, ये इसकी बूस्ट कॉइल है। तो हम देखते हैं, एक काम कीजिए डीएसओ की स्क्रीन पर दिखाइए। इसका ये जो बीच वाला रजिस्टर है ये इसका क्लॉक है। देखिए इसमें क्लॉक रिसीव हो रही है, क्लॉक रिसीव हो रही है। इसका मतलब है कि सीपीयू इसको क्लॉक दे रहा है। ये इसका जो है ये डाटा इन है और ये जो है ये डाटा आउट है। तो हमारी आईसी अब सीपीयू से कम्युनिकेशन तो कर रही है लेकिन वर्क नहीं कर रही है। मतलब सीपीयू को बता रही है कि हाँ, मतलब सीपीयू से डेटा ले रही है और डेटा दे रही है लेकिन वर्किंग पर नहीं है। इन सब चीज़ें चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी आईसी में जितनी भी सप्लाइयाँ ज़रूरी हैं वो सभी मिल रही हैं। हमारी वर्किंग वोल्टेज जो कि बैटरी के बराबर होते हैं 3.8 के समथिंग, वो भी मिल रहा है आईसी को, जिससे आईसी वर्क करती है। आईसी के लिए इनेबल सिग्नल भी मिल रहा है जो 1.8 वोल्टेज का होता है। उसके बाद डाटा क्लॉक भी मिल रहा है, डाटा भी मिल रहा है और क्लॉक भी मिल रहा है जो सीपीयू से इसको कम्युनिकेशन करती है आईसी। और हमारी आईसी सीपीयू को डेटा दे भी रही है बट वर्क नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि देखिए सारी लाइनें ओके हैं, उसके बाद भी हमारी आईसी वर्क नहीं कर रही है। तो 100% में से 100% ये आईसी ख़राब है। तो हम इस आईसी को अभी चेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा रिंगर वर्क करता है या नहीं। चलिए तो हम इसे चेंज करते हैं। हम देखेंगे कि हमारे बैटरी कनेक्टर पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर आईसी गलत लगी होगी तो इसमें शॉर्टिंग आ जाएगी, लेकिन देखिए यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। मतलब हमारी आईसी भी ओके लगी हुई है। सेट चालू हो गया है। अब हम इसमें हमारा म्यूज़िक प्लेयर चालू करके देखते हैं। म्यूज़िक प्लेयर में हम यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे थे, देखिए यहाँ पर से एरर चला गया कैन नॉट प्ले का और ये गाना प्ले हो गया है। मतलब हमारी रिंगर आईसी की ही दिक्कत थी जो कि अब ओके हो चुकी है। देखिए पहले यहाँ पर ये सेव वीडियो भी हमारे प्ले नहीं हो रहे थे, अब हमारे सेव वीडियो भी प्ले हो गए हैं। ये प्रॉब्लम हार्डवेयर से थी लेकिन इसके जितने भी सिम्टम्स जो थे वो एकदम सॉफ्टवेयर की तरह थे कि सॉफ्टवेयर से कोई मिस्टेक है। कोई वीडियो प्ले नहीं हो रहा था, कोई ऑडियो प्ले नहीं हो रहा था, कैन नॉट प्ले आ रहा था, इसमें भी एरर आ रहा था। लेकिन देखिए आप ऑडियो आईसी चेंज करने के बाद हमारा सब कुछ चलने लगा और आवाज़ भी आने लगी है। यहाँ हम सेटिंग में भी जाके देखेंगे। यहाँ पर देखिए कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, अब यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। तो हमने देखा कि हमने इसमें आईसी को बदलने से पहले हमने इसकी सारी सप्लाइयाँ चेक की, जैसे इसकी वीडीडी वोल्टेज होते हैं 3.8 वोल्टेज जो वर्किंग वोल्टेज होते हैं, हमने वो चेक किए, वो आ रहे थे इसमें। उसके बाद हमने इसमें देखा कि इसमें इसके रीसेट सिग्नल मिल रहे हैं कि नहीं, तो रीसेट सिग्नल भी मिल रहे थे। फिर हमने देखा इसमें क्या इसमें इनेबल वोल्टेज 1.8 मिल रहे हैं, तो देखा हाँ वो भी मिल रहे थे। उसके बाद हमने इसमें आगे चेक किया कि सीपीयू इसको क्लॉक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो सीपीयू भी क्लॉक दे रहा था। डेटा दे रहा है कि नहीं, तो सीपीयू डेटा भी दे रहा था और आईसी सीपीयू को भी डेटा दे रही थी। ख़राब थी लेकिन उसका उतना सेक्शन सही होगा कि वो अपना सीपीयू को भी डेटा दे रही थी ओके होने का, लेकिन वो ओके नहीं थी। उसके बाद इसकी सारी सप्लाई हमने चेक की, इसमें बूस्ट वोल्टेज भी बन रहे थे, इसके बूस्ट कैपेसिटर पर हमने वोल्टेज देखा वो भी ओके था। तो इसके बाद जब हमने देखा कि सारे वोल्टेज, सारी सप्लाइयाँ, सारे सिग्नल ओके हैं, फिर भी ये सेट में ऑडियो वर्क नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? तो इसकी मतलब ये होता है कि जब सब कुछ ओके है तो उसके बाद आईसी ख़राब मानी जाएगी। तो हमने जैसे ही आईसी चेंज की हमारा ऑडियो वर्क करने लगा। तो बस यही दिखाने की मैंने आपको कोशिश की कि मोबाइल रिपेयरिंग कैसे की जाती है और तरीका क्या होता है करने का। एक प्रॉपर तरीका यही होता है। ऐसा नहीं होता है कि बस कोई भी आईसी उठाई और बदल दी। आईसी को हमें पहले चेक भी करना होता है कि आईसी वाकई में आईसी की ही खराबी है कि और कुछ ख़राब है। अगर इसमें कोई सप्लाई ख़राब होती तो तब भी आईसी वर्क नहीं करती, हम भले ही दूसरी आईसी लगा देते।